कल रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक, झारखंड की मौजूदा सियासी हालात पर करेगी मंथन। विधायकों को हैदराबाद भेजने जाने पर बोले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष, बीजेपी केंद्र और जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं। प्रियंका गांधी ने राज्यपाल पर उठाए सवाल, दावा पेश करने के बाद भी सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया, बिहार में तुरंत राज्यपाल ने नीतीश को बुलाया था। झारखंड में सीएम पर सस्पेंस बरकरार, राज्यपाल ने फिर शपथ ग्रहण का वक्त नहीं दिया, चंपई सोरेन बोले गवर्नर ने कहा जल्द बुलाएंगे। चंपई सोरेन ने राज्यपाल के सामने 43 विधायकों के सपोर्ट का किया दावा, विधायकों का वीडियो भी जारी किया। राज्यपाल से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग, चंपई सोरेन का बयान। सरकार बनाने के लिए हमारे पास बहुमत है, जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। राज्यपाल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उठाए सवाल, कहा शपथ ग्रहण जितनी देरी होगी राज्य में उतनी अस्थिरता बढ़ेगी। अगर राज्यपाल ने शपथ के लिए नहीं बुलाया तो कल फिर मांगेंगे समय, कांग्रेस नेता आलमगीर आलम का बयान। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, चंपई सोरेन के पास सरकार बनाने का बहुमत नहीं। हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत, रांची की स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, ईडी की कस्टडी की मांग पर कल सुनवाई। गिरफ्तारी से पहले का हेमंत सोरेन का वीडियो मैसेज जारी, जाली कागजों फर्जी शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी का लगाया आरोप। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का अटैक, रविशंकर प्रसाद बोले पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त, अधिकारियों के साथ मिलकर किया करप्शन। रविशंकर प्रसाद ने कहा झारखंड में अवैध खनन के 4000 से ज्यादा मामले, फर्जीवाड़ा कर माइनिंग लेते थे हेमंत सोरेन। बीजेपी सांसद हरनाज यादव ने कहा ईडी का एक्शन बिल्कुल सही, अब केजरीवाल का नंबर। प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं मोदी शाह, हेमंत सोरेन मामले पर बोले जयराम रमेश। बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा आया सामने, सपा चीफ अखिलेश यादव का निशाना, सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, चुनाव जीतने के लिए सभी को जेल में डाल रहे। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर अटैक, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा, दिल्ली की सरकार भी गिराना चाहती है बीजेपी। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में हुई पूजा, कोर्ट के आदेश के 7 घंटे के अंदर खोला गया तहखाना। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में 5 समय होगी पूजा, 3 बार आरती और दोपहर को भोग और शाम को होगा अर्पण। केवीएम ट्रस्ट के पुजारियों ने मूर्ति स्थापित की, अखंड ज्योति जलाई, विष्णु शंकर जैन का बयान। व्यास जी तहखाने में अखंड रामायण का पाठ भी शुरू, काशी विद्वत परिषद ने दी जानकारी। तहखाने में पूजा से भड़का मुस्लिम समाज, कहा बिना बताए आधी रात में प्रशासन ने कराई पूजा। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, तुरंत सुनवाई से इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की, कल होगी सुनवाई। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा सख्त, व्यास जी तहखाने में पूजा के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। दिल्ली में ज्ञानवापी पर मुस्लिम संगठनों की मीटिंग, कल सुबह होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, असदुद्दीन ओवैसी भी हुए थे शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सपा सरकार में ही व्यास जी तहखाने में लगाता ताला, इनकी सरकार में सारे गलत काम हुए। वाराणसी कोर्ट के फैसले से नाराज मौलाना तौकीर रजा, कहा कोर्ट से भी न्याय की उम्मीद नहीं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने बीड़ी वर्कर्स से की बातचीत, राहुल की यात्रा में शामिल हुए सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम का, हम न्याय का साथ देने के लिए आए। पंजाब कांग्रेस में अंतरकलह जारी, इलेक्शन कमेटी की बैठक से नवजोत सिंह सिद्धू ने बनाई दूरी। कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बोले रामगोपाल यादव, का गठबंधन तय शुभ मुहूर्त में करेंगे ऐलान। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आप पार्षद कुलदीप कुमार ने दायर की याचिका, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। अंतरिम बजट को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कहा यह देश के निर्माण का बजट, किसानों के लिए सरकार ने लिए बड़े फैसले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट, कहा सर्वसमावेशी विकास पर सरकार का फोकस। सरकार का गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं के विकास का लक्ष्य, 4 करोड़ किसानों को मिला फसल बीमा का फायदा, 3 करोड़ महिलाओं को बनाएंगे लखपति। बजट में देश में 3 नए रेल कॉरिडोर, 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान, 2 करोड़ नए घर बनाएगी सरकार। अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स को राहत नहीं, टैक्स लैब और टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं, 7 लाख तक की आमदनी फ्री, 10 साल पुराना 10,000 तक का बकाया टैक्स होगा माफ। वित्त मंत्री बोली अब 10 दिन में मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड। सीतारमण बोली 34 लाख करोड़ गरीबों के खाते में सीधे भेजे गए पैसे, 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। युवाओं के लिए 7 नए IIT 7 नए IIM खोले गए, 3,000 नए ITI, 390 नई यूनिवर्सिटी खोली, 101.4 करोड़ यूथ को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा जन विरोधी बजटों का दशक पूरा, ये बीजेपी का विदाई बजट। गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को बताया शानदार, देश के भविष्य की रूपरेखा सामने रखी गई, हर क्षेत्र पर सरकार का फोकस। राजनाथ सिंह ने अंतरिम बजट को बताया उत्साहवर्धक, कहा 2047 तक तय करेंगे विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। बजट पर कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, किसान गरीब निम्न मध्यम वर्ग शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस ने बजट को चुनावी बजट बताया। अधीर रंजन बोले क्या ये बजट लोगों को रोजगार देता है। अकाली दल ने मोदी सरकार को बताया अहंकारी, 10 साल में किए वादों को पूरा न करने का लगाया आरोप। सचिन पायलट बोले बजट भाषण चुनावी भाषण जैसा लग रहा था, इसमें महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं था। बजट में महंगाई कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति देने वाला है बजट, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। बजट सकारात्मक है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान।
नितिन गडकरी से मुलाकात पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, 6 या 8 लेन का बनेगा आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे। म्यांमार में तख्तापलट की बरसी पर भारत का बयान, हम लोकतंत्र स्थापित करने की करते हैं वकालत। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की केंद्र से मांग, अग्निवीर योजना के खत्म करें, ये आर्मी युवाओं और देश के हित में नहीं। यूपी सरकार 5 फरवरी को विधानसभा में बजट करेगी पेश, कल से बजट सत्र की होगी शुरुआत। दिल्ली दौरे पर बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले गवर्नर बोस, बंगाल की बकाया राशि दी जाएगी, पहले ममता सरकार हिसाब किताब दे। इंडियन कोस्ट गार्ड का 48वां स्थापना दिवस आज, अपने शानदार सफर का वीडियो पोस्ट किया। पुणे में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, बॉम्बे सैपर्स के वार मेमोरियल सेंचुरी समारोह में लिया हिस्सा, रीयूनियन परेड में भी शामिल। एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस पर फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। ईडी के समन पर बोले शरद गुट के एनसीपी नेता रोहित पवार, सभी जरूरी कागजात दिखाएंगे, एमएससी बैंक स्कैम में कुछ नहीं होगा। मुंबई में ईडी ऑफिस के बाहर शरद गुट के वर्कर्स का प्रदर्शन, विधायक रोहित पवार को समन का जताया विरोध। आप सांसद संजय सिंह की कोर्ट में याचिका, संसद सत्र अटेंड करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी। ईडी के शिकंजे में इंडिया सीमेंट्स कंपनी, चेन्नई में कंपनी में की रेट। खालिस्तानी आतंकियों पर एनआईए का एक्शन, मनप्रीत सिंह और मनप्रीत चार्जशीट दाखिल की। कल से शुरू होगा सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे उद्घाटन। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी का एक्शन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा, ठेकेदार अनिल अग्रवाल अरेस्ट। अयोध्या में राम मंदिर के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, रामलला के दर्शन को बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। बिहार में आज से 12th की परीक्षा शुरू, नालंदा में एग्जाम सेंटर की दीवार पानते दिखे स्टूडेंट्स, देरी से पहुंचने पर नहीं मिली थी एंट्री। स्टूडेंट्स की हरकतों पर पुलिस ने हल्के बल का किया प्रयोग, परिजन नाराज। जहानाबाद में भी गेट तोड़कर और दीवार पानकर सेंटर पर पहुंची छात्राएं, कई लड़कियां जख्मी भी हुई। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में पहले दिन कुल 43 स्टूडेंट्स निष्कासित, सबसे ज्यादा नवादा में 22 छात्र निष्कासित। असम के सीएम हिमंता ने गुवाहाटी में फ्लाईओवर की रखी आधारशिला, कई प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। उज्जैन पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, बाबा महाकाल की पूजा कर लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र में नाला सुपारा की धनिव बाग पार्किंग में लगी आग, 7 गाड़ियां जलकर खाक। कानपुर में एक मिठाई दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली एयरपोर्ट पर 82 करोड़ से ज्यादा की कोकीन जब्त, इथियोपिया से लेकर आई थी महिला यात्री। जम्मू के कटरा में बर्फबारी, माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग बर्फ से ढका। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिखा शानदार नजारा, बर्फबारी के बीच दौड़ती दिखी ट्रेन। भारी बर्फबारी से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद, ट्रकों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भारी स्नोफॉल, बर्फ की सफेद चादर से पटा मंदिर के आसपास का इलाका। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी कल से भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। उत्तराखंड के धनौल्टी में बर्फबारी, सीजन में पहली बार गिरी बर्फ। मनाली में हुई भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित, बिजली सप्लाई भी बाधित हुई। गुजरात के कच्छ में सुबह लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। दिल्ली एनसीआर में खराब मौसम का ट्रेन सेवा पर असर, दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें चल रही हैं लेट। दिल्ली में कल शाम से ही बारिश, नरेला इलाके में सबसे ज्यादा 25 मिलीमीटर बारिश की गई दर्ज। पंजाब के मोगा में बारिश के साथ गिरे ओले, ठंड में हुआ इजाफा। शेयर बाजार को रास नहीं आया अंतरिम बजट, सेंसेक्स 106 और निफ्टी करीब 29 अंक टूटा। 2000 रुपए के 97.5% नोट वापस लौटे, आरबीआई ने दी जानकारी।